आज का ये वीडियो नोएडा वालों की टेंशन को दूर कर देगा। जी हाँ, अब खत्म होगी दिल्ली जाने की टेंशन। इस तारीख से आप भर सकेंगे नोएडा से इंटरनेशनल उड़ान। आपको बताते चले कि दिल्ली एनसीआर के लोगों को हवाई यात्रा के लिए हर बार आईजीआई एयरपोर्ट पर जाने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जेवर हवाई अड्डे के निर्माण कार्य को जल्द ही आखिरी जामा पहनाया जा सकता है। खबर यह आई है कि इस साल तक इस एयरपोर्ट का संचालन शुरू हो जाएगा। दिल्ली एनसीआर के लोगों को हवाई यात्रा के लिए अब हर बार इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जेवर हवाई अड्डे के निर्माण कार्य को अब जल्द ही संचालन वहां से शुरू किया जा सकता है, क्योंकि इसे आखिरी जामा पहनाया जा रहा है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इसी साल सितंबर से, जी हाँ सितंबर से, उड़ानों का परिचालन शुरू हो सकता है। जेवर हवाई अड्डे के पहले चरण के विकास पर कुल 10,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इसमें से अब तक 7100 करोड़ रुपए खर्च हो भी चुके हैं, यानी काम लगभग पूरा हो चुका है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ानों का परिचालन करने वाली एयरलाइंस को एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर जो टैक्स है अब वो बहुत ही कम देना होगा। सस्ता पड़ेगा उड़ान, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट ने एटीएफ पर वैट की जो दर है वो घटाकर 1% कर दी है, जबकि दिल्ली, हरियाणा और अलग राज्यों में वैट की दर है 25%। एयरलाइंस कंपनियों का 40% खर्च एटीएफ पर ही होता रहा है। ऐसे में नए हवाई अड्डे से ज़्यादा उड़ानों का जो परिचालन है वो होने की संभावना है। नोएडा के जेवर में आगामी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण के विकास पर 10,056 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अधिकारियों ने ये भी जानकारी दी कि इसमें अभी तक लगभग 7100 करोड़ रुपए खर्च हो भी चुके हैं और सितंबर तक काम जो है वो लगभग पूरा हो जाएगा। यूपी के सीएम के साथ ही अतिरिक्त मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर निर्माण की प्रगति की समीक्षा की है, जायजा लिया है, और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को इसी साल सितंबर तक काम पूरा करने का खास निर्देश भी सीएम योगी की ओर से दिया गया है।